टैकल्स आए थे नहीं। चलो वेरी गुड। तो आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनानी। तो उसके लिए मुझे ये चाहिए, ये दो मैंने प्याज जो है वो बारीक चॉप किए हैं बिल्कुल, और दो ही इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, दो मैंने टमाटर बारीक चॉप किए हैं, और ये थोड़ा सा मैंने एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और दो प्याज जो हैं वो मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिए हैं थोड़े से बड़े बड़े, और ये हाफ के जी मेरी भिंडी है, और ये मैंने ली है रामदेव की हींग। तो ये सारा सामान हमें चाहिए भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो, और मुझे कमेंट भी करके बताएं। तो इधर ये कढ़ाई ली है मैंने, और इसमें मैंने सरसों का तेल डाल के गर्म कर लिया है। इसमें अब मैं जो ये भिंडी है इसको डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ भिंडी, इसको अब मैं 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी भिंडी बनती है ये भिंडी दो प्याज़ा, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए इसको अब मैं 4-5 मिनट के लिए फ्राई कर रही हूँ। अब ये भिंडी जो है वो मैंने एक प्लेट में निकाल ली है अलग से, और अब मैं ये वाले प्याज के जो बड़े बड़े क्यूब्स हमने काटे थे इनको फ्राई करूँगी। ये तेल थोड़ा सा भिंडी निकालने के बाद बच गया, इसमें ही अब मैं ये प्याज जो है वो मैं थोड़े से हल्के से फ्राई करूँगी। हल्का हल्का फ्राई करना है, और इनको भी हम साइड पे निकाल लेंगे। ये प्याज जो है वो 1-2 मिनट बस हमने इतना सा ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा बस सौते किया है, और इसको भी अब मैं एक साइड प्लेट में निकाल रही हूँ। अब ये प्याज जो है वो मैंने एक ये प्लेट में निकाल लिया है साइड पर, और ये भिंडी मेरी फ्राई हुई भी साइड पर पड़ी है, और ये प्याज भी मैंने रख दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भिंडी का मसाला बनाना। तो उसके लिए जो हमने ये प्याज काटा है ये मैं अब कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो सबसे पहले जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अब मैंने डाल दिया है प्याज और हरी मिर्ची, और पहले मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर पेस्ट नहीं है तो आप अदरक लहसुन या ऐसे बारीक चॉप करके डाल सकते हो। और इसके साथ ही अब मैं डाल रही हूँ ये जीरा, हाफ स्पून अजवाइन, हाफ स्पून ये जीरा डाला था, और 1/4 स्पून मैं ये डाल रही हूँ हल्दी, 1/4 स्पून मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और 1 1/2 स्पून मैं लाल मिर्ची डाल रही हूँ, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है, और ये 1 टेबल स्पून मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, और इनको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें जो बारीक मैंने चॉप टमाटर डाले थे वो भी मैं डाल दूँ, और अब इस वाले मसाले को जो है वो हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मसाला जो है अब मेरा फ्राई हो गया है, और इसमें तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, टमाटर भी पक रहे हैं। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ये अमचूर पाउडर, थोड़ी सी चटपटी भिंडी बनाने के लिए बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि टमाटर भी हमने डाले हैं। और इसको अच्छी तरह से मैं एक बारी से मिक्स कर दूँगी। ये मसाला जो है वो पूरी तरह से पक गया है, और अब जो ये भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी इसको हम मसाले में मिक्स कर देंगे। इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से अब हम दोबारा से भून लेंगे। ये सारी भिंडी मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये अब अच्छी तरह से मैंने भिंडी को भून लिया है, और ये देखिए भिंडी जो है वो मेरी रेडी हो रही है, हो ही गई है समझिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने प्याज थोड़ा सा फ्राई करके रखा था ये इसमें डाल देंगे।
और एक बारी अब फिर इसको दोबारा से थोड़ा सा और भूनेंगे। ये देखिए भिंडी दो प्याज़ा रेडी होते हुए बहुत ही सुंदर और टेस्टी भिंडी बनी है। ये देखिए आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो अब मैं इसको थोड़ी देर और अब फ्राई होने देती हूँ, उसके बाद और मैं इसको फिर सर्व करूँगी। ये भिंडी दो प्याज़ा अब मैंने सर्विंग बाउल में डाल दिया है और ये देखिए कितनी सुंदर भिंडी दो प्याज़ा बनी है। तो आई होप आप इस ढंग से एक बारी ज़रूर भिंडी ट्राई करना, और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय बाय, थैंक यू।